मामा की बारी. ओके मामा की बारी. सो यम अम्मा. आई लाइक इट अम्मा. अम्मा को अम्मा के लिए बाद में अम्मा नमाज पढ़नी है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे. एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग. सो आज का व्लॉग जो है डेली रूटीन पे ही होगा. सो जैसे ही मतलब जो जो हो रहा होगा पूरे दिन में वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कोई मतलब आप कह सकते हैं कोई प्लान या कुछ इस तरह का नहीं है वीडियो में. सो जैसे जैसे चलता रहेगा वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो एंड तक आपने वीडियो देखनी है. और आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें. और इसके अलावा जो है इससे पहले मैं भी जो है मेरी जॉब और इंस्पिरेशनल वीडियो जो है वो आप लोगों ने देख ली होगी या इसके बाद आएगी. आई डोंट नो कि मैं कब लगाती हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करके रख दी है. सो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को. वन मोर थिंग कि मैं जो है मतलब रियलिटी बेस्ड वीडियोज़ बनाती हूँ. लाइक जैसे आप होते हो घर में ऐसे ही आप मतलब वीडियो बना लो. सो ये डेली व्लॉगिंग का यही होता है कि आपने मतलब जैसे आप हो गए वैसे ही बनाओगे. बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है बंदा थोड़ा सा रेडी शेडी हुआ होता है. सो आज का जो व्लॉग है अभी मैं बता दूँ आपको, क्योंकि मैं अभी जो है आइसक्रीम वगैरह लाई थी तो हसन को जो है आज आइसक्रीम ट्राई करवाएंगे. वैसे उसमें जो है कप वाली तो हैं वो खाई हुई हैं, लेकिन आज जो स्टिक वाली जो होती है ना वो, और मैं ले रही थी तो इतनी कोई एक्सपेंसिव आइसक्रीम्स हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है. मतलब एक छोटा सा कप जो है वो 80 रुपीज़ का है. लाइक सीरियसली मतलब 20 रुपीज़ में होता था जब मैं लेती थी. मुझे अब इतनी कोई खास पसंद नहीं है, खा लूँ. सो आज जो है हसन को ट्राई करवाएंगे और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी. और इसके अलावा जी वन रियाल कि जो है शॉप खुली हुई है उसका भी मैं आपको विजिट करवाऊंगी कि उसमें क्या क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो है वन रियाल की शॉप खुल गई है. और अभी आप देख सकते हैं सेटिंग, क्योंकि जो है व्लॉग बनाने के लिए आपको फैन भी ऑफ करना पड़ता है. इधर देखो मेरी तरफ. आपने किसके पास जाना है, पक्के पास किसके पास जाना है, कहाँ जाना है बताओ. इधर देखो मेरी तरफ, इधर आओ, कोई नहीं है उधर पीछे. आ जाओ जाओ जाओ. यहाँ पे जी बन रहा है चिकन. ये अभी डीप फ्रोस्ट करने वाला वो है क्योंकि अभी निकाला ऊपर फ्रीजर से. सो डीप फ्रोस्ट होगा तो फिर सही जल्दी बनेगा. क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मुझे भी दे दो प्लीज, थैंक यू मेरी जान. ये लो आप खा लो, मैं नहीं खा रही मामा. वैसे ही मजाक कर रही थी अशन के साथ. ये लो गुड बॉय, ये भी पकड़ लो. थैंक यू. ओ नीचे गिर गया. नो 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 नो, चलो अंदर अंदर चलो अंदर चलो. गुड बॉय. बा बा ऑफिस है, बा तो ऑफिस है. सो जी ये कल जो मैंने आपको दिखाई थी अभी जो है मैं इसको लेने लगी हूँ क्योंकि सैलड में डालना है. सो ये जी सारी मैंने तोड़ ली है और ये सैलड में अभी मैं डालूंगी. और इतना अच्छा लगता है कि आप मतलब होम गार्डन हो और वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगी हैं और आप तोड़ तोड़ के जो है चीज़ें बनाएं. चलो 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 अंदर. गुड बॉय, अंदर चलो. अम्मी जा रही है, जाओ. शाबाश मेरी गुड्डी. ये जी हमारी मिर्चें. सो ये जी मिर्चें आ गई हैं और ये वॉश कर ली हैं. बाय द वे जितनी जो होती है ना छोटी सी होती हैं उतनी ज़्यादा जो कड़वी होती हैं और इसलिए जो है मैंने इतनी तोड़ी हैं. और इस जो ये मिर्चों वाला पौधा है इसमें लगती ही इतनी है. सो अभी ये मैं सालन में डालूंगी क्योंकि ज़्यादा जो रेड मिर्च होती है वो अवॉइड ही करते हैं. सो जी ये देखिए मिर्ची वगैरह डाल ली हैं, टमाटर डाल ली हैं. सो अवॉइड ही करते हैं कि मतलब जो रेड मिर्चें हैं वो डाली जाएँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे जो है स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्टमक पेन भी हो रहा है सबको. सो इसलिए जो है ब्लैक पेपर डाल रहा है और जो ग्रीन मिर्च डाली है और हल्दी डाली है. और इसके अलावा जो है हमारी जो मम्मी के घर है वहाँ पे बैक साइड पे जो है बड़ा काफ़ी जगह है एंड चूल्हा भी है. तो मेरा कभी कभी दिल करता है कि बाहर ही जो है कुकिंग करूँ चूल्हे पे आग जला के, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है आग जलाओ और वो.
और वो बड़ा मज़े का लगता है, देसी टाइप, देसी माहौल। चिकन जो है मैंने ऐड कर दी है और खुद ही वो होता रहेगा। ये जो चिकन हमारा बन रहा है, क्या कर रहे हो हसन? नो ऐसे नहीं करते, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? आप ही हैं, आप ही किधर लेके जा रहे हो आप ही को? किधर? बक्के पास। अच्छा चलो चलो जी। किधर जा रहे हो? आलियान भाई को छोड़ दो। हसन उधर नहीं जाना। ये क्या घुमा रहे हो सबको? ये क्या खेल रहे हो हसन? बाय। गुस्सा आ रहा है। गंदे बच्चे। आप भी लेट जाओ हसन, आप इधर लेट जाओ। आप भी लेट जाओ। चलो आर्यन भैया, आर्यन भैया अभी वो है, कह रहा लेट जाओ, कह रहा लेट जाओ। सो जी, ये शहद जो निकाला था और ये हसन के लिए लाए थे, क्योंकि इसको अब वो यही कह रहे थे कि सर्दियाँ आएंगी तो इसका गला ख़राब होगा। सो अभी बाहर आ गए थे और ये है जी वन रियाल शॉप, और मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। सो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्लास्टिक की कुछ चीज़ें, और वन रियाल इज़ लाइक इक्वल टू 50 रुपीज़, और जो मतलब छोटी छोटी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जो है बर्तन वगैरह जो है ग्लास, और वो सेम प्राइजेस के आप एक कर लो 50 का तो उतने ही बन जाते हैं, 300 के वैसे से। उसके बाद जी यहाँ से ले रहे थे शवरमा, और यहाँ का शवरमा वैसे अच्छा होता है, लेकिन उस दिन बहुत ही इन्होंने इतना कोई गंदा दिया है कि स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सो यहाँ से शवरमा लेके उसके लिए हसन के लिए फ्राई की, और सो ये जी है जो हसन के रोज़ जो है ये चीज़ें लेके आते थे, क्योंकि हसन ये होता है कि वो आते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब कोई चीज़ हो। और जी ये आइसक्रीम्स हैं, और ये हसन को आज जो है ट्राई करवाने लगे। ये लो ये लो ये लो, इधर देखो इधर देखो। यम 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 हसन, ये तो बहुत यम्मी सी है। ओए कैसी है, यम्मी है? नहीं हसन ये नहीं अच्छी। हेलो, ओ ये नहीं अच्छी, ये बहुत गंदी सी है। अच्छा ना, आपका रिएक्शन कैसा? यू गुड यम्मी, शो यम गुड। रिएक्शन, हसन का रिएक्शन, सारी आइसक्रीम टेस्ट कर रहा है। इट्स यू, यम्मी, इट्स गुड, इट्स गुड, यस। ओए शादी कहाँ गया? इट्स गुड। मामा, मामा की बारी। ओके मामा की बारी। सो यम अम्मा, I like it. अम्मा, अम्मा को अम्मा के लिए बाद में, अम्मा नमाज पढ़नी है। आपने बा को तो दी नहीं है, अम्मा अम्मा को देनी है सिर्फ, और अब्बू को यम। ऐसे करो यम, ऐसे करो यम, और नहीं है, आप फ्री हो गए हो।
सो गाइस ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। और वन रियाल की जो है शॉप वो पाकिस्तान में खुली है, $1 बार बार आता है क्योंकि $1 की काफ़ी शॉप्स हैं। सो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने क्या करना है, आपने एक ही काम करना है और वो है जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और जी आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।